नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके फ्यूचर टेक्निकल एग्रीकल्चर डे में। आज के वीडियो में बहुत ही सटीक जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरी जानकारी देंगे कि 500 रुपये बोनस का जो केंद्र सरकार की बैठक हुई है उसमें किस तरीके का डिसीजन लिया गया है और किस कारण से लिया गया, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरा वीडियो शुरू कर रहे हैं, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। केवल एमपी में ही नहीं बल्कि देश भर में गेहूं के दामों में खासा उछाल, और इसके अलावा प्रभावित होगी गेहूं की सरकारी खरीदी, क्या कारण है और क्या नया नियम बनाया गया है, पूरा वीडियो में बताएंगे। इन दिनों में देश की मंडियों में गेहूं के भाव में उछाल आया हुआ है, ये आप सब जानते ही हैं। किसानों को प्राइवेट मंडियों में गेहूं के न्यू समर्थन मूल्य से यानी MSP से अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। बता दें कि कई राज्यों में गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है और अन्य राज्यों में इसकी खरीद शुरू होने वाली है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे कुछ दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है, लेकिन मंडियों में किसानों की कई खासी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस बार किसान शायद ही MSP पर अपने गेहूं की उपज बेचे। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने MSP से ज़्यादा भाव तो मंडियों में मिल रहे हैं, तो वो MSP पर गेहूं क्यों बेचेंगे, गेहूं के भाव बढ़ने का क्या कारण है, पूरी डिटेल बताएं। गेहूं में मंडी में गेहूं के भाव बढ़ने के पीछे कारण रूस यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है। मंडियों रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आयात की मांग बढ़ने से गेहूं के दाम में तेजी दिखाई दे रही है, इसलिए किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से फिलहाल किनारा कर लिया है। दूसरा कारण सहकारी समितियां कर्मचारियों की हड़ताल का भी रहा है, जिससे समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को प्रभावित किया है। इसके अलावा बात करें गेहूं के समर्थन मूल्य पर गेहूं मूल्य और मंडी का भाव कितना अंतर है। बता दें कि किसान को मंडी में गेहूं का दाम 2100 से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मिल रहा है, जबकि समर्थन मूल्य पर कुल 2015 रुपये क्विंटल है। यही कारण है कि किसान पंजीयन कराने के बावजूद समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से रुचि नहीं दिखा रहे। इससे सरकारी खरीद केंद्रों पर इस बार किसानों को भीड़ दिखाई दे रही है। लगता है कि किसान इस बार शायद ही अपनी गेहूं की उपज सरकारी केंद्रों पर लाएं। हालांकि ये किसानों के लिए अच्छी बात है कि किसान का गेहूं का भाव बढ़ रहा है, जिससे किसानों को लाभ होगा। सरकारी खरीद केंद्रों पर बिक्री फीकी शुरुआत, जैसे जिन लोगों ने नामांकन कराया था वो लोग भी अपना गेहूं वहाँ पर बेचने के लिए नहीं जा रहे, इसकी जानकारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में सोमवार को समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत फीकी रही। खरगोन जिले में 73 केंद्रों में से 64 केंद्र सरकारी समितियां कर्मचारियों को हड़ताल से बंद रहे। शेष 9 केंद्रों पर कोई भी किसान गेहूँ बेचने नहीं आए। बड़वानी जिले में खरीदी नहीं हुई। तलिन केंद्र पर मात्र 2 किसान के 10 अप्रैल का स्लॉट बुक कराया है। खंडवा जिले में 79 उपार्जन केंद्र बनाए हैं। 33,000 किसानों ने पंजीयन भी कराया है, लेकिन मात्र 4 दिनों में स्लॉट बुक कराया है। मंदसौर जिले में सिर्फ 5 किसानों ने 250 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई है। देवास जिले में भी ऐसी ही स्थिति रही। 139 केंद्रों पर गिनती के किसान पहुंचे। उज्जैन जिले के 172 केंद्रों में से 19 केंद्रों पर मात्र 1200 क्विंटल गेहूँ की उपार्जन हुआ। धार जिले की बात करें तो धार जिले में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। धार जिले में 109 केंद्र शुरू किए गए, लेकिन पहले दिन किसी किसान ने गेहूं नहीं बेचा। झाबुआ जिले में भी 17 किसानों ने बुकिंग कराई थी, लेकिन सिर्फ 7 किसानों ने 35 क्विंटल गेहूं ही बेचा। इंदौर जिले में भी गेहूं खरीद की यही हालत रहे। आगे की जानकारी के लिए हम बता देते हैं, केंद्र सरकार की ओर से हर रबी और खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं। रबी फसलों की बुआई से पहले ही रबी के विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो जो सरकार ने 2023-22-23 के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है उसकी जानकारी पहले बताते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये किया था, चना का 5230 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 5050 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 1635 रुपये प्रति क्विंटल। हमने अब किसान को गेहूं खुले बाजार में बेचने से होगा लाभ, क्या लाभ होने वाला है, हमने ऊपर आपको इसी रबी सीजन के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से फसलों का समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया गया है उसकी लिस्ट दी है। लेकिन बता दें कि इस बार बाजार में गेहूं एवं सरसों का समर्थन मूल्य की ओर से तय किए गए समर्थन मूल्य से अधिक चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान के लिए गेहूं खुले बाजार में बेचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने के बावजूद भी अच्छा दाम मिलने से किसान चाहे तो अपनी उपज व्यापारियों को सीधे बेच सकते हैं। किसान को सुविधा के लिए हम और आगे जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस कारण से, ये सब कारण होने के कारण सरकार ने एक मीटिंग की है, सभी राज्यों के लोगों को बुलाया, उसमें ये डिसाइड किया है कि हमने MSP जो डिसाइड किया था 2015 रुपये गेहूँ का, उसमें 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के लिए मीटिंग की गई थी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसको मंजूरी मिल जाए और 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले। हालांकि यह है कि अभी इसको पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिली है। ये अगर स्कीम लागू होती है तो जो किसान अपनी फसल बेच चुके हैं और उनके
बैंक अकाउंट में पैसे आ भी चुके हैं उनको इस ये वाला जो 500 रुपये बोनस है वो बाद में पे किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिली है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।